नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का, नंबर वन शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। 15 मिनट वाली धमकी के बाद अब 15 करोड़ वाली धमकी सामने आई है। जी हां, धमकी ध्यान से सुनिएगा, 100 करोड़ हिंदुओं का पसीना निकालने की धमकी, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाने की। आपको बता दें, एक रैली को संबोधित करते हुए, मुसलमानों को भड़काते हुए ऑल इंडिया MIM के नेता वारिस पठान, ये शायद जिन्ना गैंग के वारिस हैं अगले, वारिस पठान ने कहा है कि शाहीन बाग में अभी तक केवल शेरनियां बाहर आई हैं। मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा, अभी तक केवल शेरनियां बाहर आई हैं शाहीन बाग में, और आप पसीना बहा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं यदि हम सभी बाहर निकल आए तो क्या होगा। वो आगे कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ के ऊपर भारी हैं, ये याद रख लेना। तो वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी। सवाल ये है कि क्या ये ओवैसी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनके हसीन सपने नहीं है। वैसे आपको बता दें, जो उनके नेता के बयान से सामने आया है, सवाल ये भी है कि ओवैसी का 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ का दंगा प्लान है क्या ये जो उनके वारिस ने सामने रखा है? क्या दंगा कराना चाहते हैं ओवैसी? क्या आप 100 करोड़ हिंदुओं के पसीने छुड़ाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, हिंदुओं के खिलाफ दंगा कराएंगे? ये तमाम सवाल रहेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल है आज मेरे साथ, लेकिन एक खास मेहमान मेरे साथ है। मेरे साथ सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सर, पहला सवाल आप ही से, आपसे बड़ा हिंदू तो कोई नहीं सर, मतलब आप डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा आपको। वो कह रहे 15 करोड़ 100 करोड़। देखिए, इस ऐसे बचकाना हरकतों से कौन डरेगा? खेद होगा हम लोगों को कि ओवैसी की पार्टी की क्या हालत हो गई, कि सब पागलखाना के लोगों को लेकर उन्होंने मेंबर्स बनाया है क्या? आज ही कर्नाटक से खबर आई कि लिंगायत्स ने एक मुसलमान को मुख्य यानी बनाया है, और उसमें भी हमने देखा है कि मुसलमान के जो मुल्ला लोग हैं वो कहते हैं ये काफिर हो गया है और इसकी हत्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मंशा होगी तो फिर आप उनको इतिहास के बारे भी सोचना चाहिए। इतिहास में इतनी बड़ी सेना बाहर से लाए और आखिर में इन्होंने राज यहाँ स्थापित की, परंतु आखिर में पिटे कम्प्लीटली। आज मुगलों का नाम निशाना नहीं है कहीं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि हिंदू बर्दाश्त बहुत करता है, बहुत लंबे समय लेता है कि मैदान में आने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि जो 5 गांव के लिए भी वो तैयार थे, परंतु जब अहंकार दुर्योधन का एक सीमा से पार कर गई तो फिर तो युद्ध हुआ और सबका वध हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार से भाषा बोलने से या उनको पागलखाना भेजना चाहिए या इसकी चुनौती को मानकर कोई बाहर निकल जाए तो फिर हम उनको कैसे दोष दे सकते हैं। गुजरात में इन्होंने इतना रोए कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया। इनके ओवैसी की भाई ने कहा कि 15 मिनट पुलिस हट जाए तो हम सारा हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। अब वहाँ एक दिन के लिए पुलिस हट गई तो इतना हाहाकार मच गई। आज वो 15 मिनट की बात की, अब ये पठान भी ऐसे ही निकला है। तो मैं समझता हूँ कि सारा हिंदू मुस्लिम समुदाय को खड़ा होकर इसकी निंदा करनी चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है कि जब हम देश में हिंदू मुसलमान को का साथ बैठ करके फैसला करने में लगे हुए हैं, राम मंदिर पर भी कोर्ट में इतनी लंबी समय भी लगाई, फिर भी हमने कोर्ट के जरिए इसकी फैसला की और सारा मुस्लिम समुदाय ने इस बात को मान भी ली सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। तो ऐसे समय पर इसको आतंकवादी की बराबर मानकर या इसको अपने संतुलन खो बैठकर उसकी यानी मस्तिष्क में ब्रेन है कि नहीं पता नहीं, परंतु मैं समझता हूं कि ये सबसे भयंकर बयान है जिसके लिए कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये धमकी भी हो सकती है, सीरियसली भी लेने की जरूरत है। वो एग्जाम्पल कोट करते हैं इनको सुन के, कोई कमलेश तिवारी रिपीट हो गया। नहीं सर, रणजीत बच्चन आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ, कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ, इनको सुनकर कल को कोई निकल गया सर को पर, तो गंभीरता से लेने की जरूरत है मेरे ख्याल से इनकी वार्निंग को।
गंभीरता से लेने की इस बात है कि हमें उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर आकर किसी के मौसम हिंदू को मार दें तो इसमें आतंक फैलेगी और उसके कारण एक प्रतिक्रिया भी होगी और उससे समाज सुधर नहीं सकेगी, तो इसीलिए उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु ये इनके कहने पर कोई बाहर निकलेगा, मुझे तो पागलखाना के लोगों को छोड़कर किसी और का कोई मुझे दिखता नहीं कोई बाहर निकल के इनकी बातों पर चलेगा। आपको लगता है कि क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, क्योंकि हिंदू सहनशील है, उसको कमजोरी समझा जाता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, 15 मिनट हटा दो सबक सिखा देंगे, 15 करोड़ 100 करोड़ भारी पड़ेंगे, मतलब 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी है, हसीन सपने भी हैं। लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि हिंदू क्योंकि सहनशील सहिष्णु है उसको वो कमजोरी समझी जा रही है? कमजोरी उनके दिमाग में होगी तो हम क्या करें, परंतु हम तो 82% से ज्यादा हैं और हमने पिछले 1000 साल में हर युद्ध को आखिर में जीता है, अंग्रेजों को भी भगा दिया, मुसलमानों का सारे राजवंश को समाप्त कर दिया। तो हम हिंदुओं में वो आत्मविश्वास है कि हम इंतज़ार भी करें समय के लिए, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, इसके लिए कोई समर्थन नहीं है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, सुबुई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ सुबुई, लेकिन एक आखिरी सवाल सुब्रमण्यम स्वामी आपसे, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये होना ही था, इन लोगों को सर पर आप लोगों ने चढ़ाया हुआ है, कोई कार्रवाई होती नहीं है, पूरा सिस्टम नतमस्तक है, वहां हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, वहां जा जाकर वहां पर जो शाहीनबाग में प्रदर्शन कर रहा है वहां पर हाथ जोड़कर कहा जा रहा है हट जाओ, 67 दिन हो गए, इन लोगों को सर पर चढ़ाया हुआ है, इसलिए ये जिन्ना वाली सोच, जिन्ना वाली आजादी, चिकन नेक काट देंगे टुकड़े टुकड़े, कुछ होता नहीं है, ये लोग बोल के चले जाते हैं, होता नहीं है सर कुछ? नहीं, हम इसमें सहन करने का तो सवाल ही नहीं है, हम कहीं कोई हम हमारे तरफ से कोई तो वहां जा नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 3 लोगों को जाना चाहिए, उनका हाल क्या हो रहा है तो आप टेलीविजन में देख सकते हो। अब आखिर में इनको उठाना है तो ये 5 मिनट का काम है, इनको उठाकर ठुगलकाबाद में खाली जगह पड़ा है वहाँ उनको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी लंबा वो रहेंगे उतना ही इनके खिलाफ हवा बन रही है, ठीक, और इसीलिए मैं समझता हूँ कोई जल्दबाजी में हमें नहीं करना है। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी आपसे 1-to-1 के लिए आए थे, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो, सुबुई खान एक सवाल मेरे ख्याल से आपसे पूछना चाह रही है, सुबुई खान लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। नहीं, नहीं, मुझे जाना है कहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी, आपने समय निकाला तालठोके के लिए। के शर्मा जी, आप लोगों ने सर पर चढ़ा रखा है सर, क्योंकि हम देखते हैं शाहीनबाग में जो कुछ हो रहा है, मतलब वहां पर जिन्ना वाली आजादी से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर चिकन नेक काटने से लेकर तमाम तरह की धमकियां दी जा रही हैं, और अब तो हिंदुओं को सबक सिखाने की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग सर? नहीं, कह रहे हैं 100 करोड़ पर भारी 15 करोड़। अमन जी देखिए, ये जब इस तरह के बयान और ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से आते हैं तो आपको इनकी हताशा और इनकी बौखलाहट को समझना चाहिए। ये इतने हताश और बौखला गए हैं और एक कोशिश है इन लोगों की कि हम भड़काऊ बयान देके और नेतृत्व लें मुस्लिम समाज का। मैं समझता हूं कि इतने सब कुछ करने के बावजूद इनको ये महसूस हुआ है, मैं इस देश के मुस्लिम भाई भी बहुत समझदार हैं और वो इस तरह के बयानों के साथ ओवैसी को, साफ आपने सुना होगा कि ओवैसी को कोई मुस्लिम अपना नेता मानने को भी तैयार नहीं, तो वो इस बात को समझते हैं, लेकिन ये इस तरह से भड़काऊ बयान देकर कोशिश करते हैं कि जो थोड़े बहुत अशिक्षित मुस्लिम भाई हैं या इनको है भड़का दिया जाए, इनको दंगा हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, ताकि इनकी रोजी रोटी, राजनीतिक रोटी रोजी जो है। मैंने एग्जांपल दिया कमलेश तिवारी का, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ, रणजीत बच्चन के साथ क्या हुआ, ये भड़काते हैं, कोई सड़कों पर निकल आता और हिंदुओं को काट देता है, ये चीजें भी होती हैं सर, हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये भी घटनाक्रम है, आप सही उसका उल्लेख कर रहे हैं, मैं इसको वो डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इस तरह का जो बयानबाजी करने की एक इनकी कोशिश होती है, ये मुस्लिम समाज को ही समझना पड़ेगा कि ये इस तरह के लोग आप लोगों के लिए हित चिंतक नहीं है। ये मुस्लिम समाज के सबसे बड़े यदि कोई दुश्मन है तो ये ही इनके जो है तथाकथित ये मुस्लिम नेता है, जो कि इस तरह की बयानबाजी करके उनके अंदर
समाज में जहर डाल के उनके भाईचारा को समाप्त करना चाह रहे हैं और इनके ये चाहते हैं कि हमें इसके आधार पर नेतृत्व मिल जाए। कह रहे मेरे ख्याल से, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हैदराबाद के एक मोहल्ले के बाहर इनको कोई जानता नहीं होगा और ये अगर आह्वान करेंगे ना तो 15 करोड़ छोड़िए 15 मुसलमान नहीं निकल कर आएंगे। इनको हैदराबाद के बाहर कोई जानता नहीं होगा, 10 जगह तो चुनाव लड़ा, इनकी जमानतें जब्त हो गई है, पता नहीं कौन से 15 करोड़ मुसलमानों की लोग बात कर रहे हैं। अमन जी एक बात और कह दो, एक बयान और दे दूं। देखिए यही अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब जो है, देखिए मुस्लिम भाइयों का यदि लाखों दर्शक आपके देखते हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनके लिए मात्र कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि यदि आपसे कोई कागज मांगने आएगा तो आप सीना चौड़ा कर दीजिएगा, गोली सीने पर गोली खाने कागज नहीं दिखाएं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं मुस्लिम भाइयों से ही कहता हूं कि आप विचार कर लें कि जब ओवैसी पार्लियामेंट्री सांसद बनने की जा रहे थे तो फार्म भर रहे होंगे या ये पार्लियामेंट में आए होंगे तो क्या इन्होंने अपने आई कार्ड नहीं दिखाए होंगे, अपने कागज नहीं दिखाए होंगे? और यदि इतने बड़े वो वचन के पक्के हैं तो आज एक चुनौती है मुझे इस ओवैसी साहब को और इनके जो नेता हैं कि आप अपना आधार कार्ड, अपना आई कार्ड, आप जो भी है वो या तो सरकार को वापस कर दीजिए पार्लियामेंट्री कार्ड या जाके जो है आग लगा दीजिए, तब देखते हैं हम आपको कि आप कैसे पार्लियामेंटेन होते हैं। अब वो लड़ाई जो है नागरिकता की लड़ाई अब हिंदुओं को धमकाने पर आ गई है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसको समझना चाहिए कि ये केवल भड़काने की बात करते हैं, इनके अंदर कोई होता है और मैं मुस्लिम भाई से बिल्कुल नकारेंगे। मुस्लिम भाई है, सुबह ही भी है हमारे साथ, हमारे साथ हजरत मौलाना कादरी साहब हैदराबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कादरी साहब आप भी खड़े हो जाएंगे ओवैसी के कहने पर हिंदुओं के खिलाफ? ओवैसी ने आह्वान किया तो 15 करोड़ मुसलमान जो 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे क्या? सीधा सवाल। पहली बात यह है कि जो वारिस पठान का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना तो MIM का मैं स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बयान में कहीं पर भी हिंदू लफ्ज आया ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो जो बयान दिया गया, हिंदुस्तान में 100 करोड़ मुसलमान है क्या? मुझे नहीं, सेंसस की रिपोर्ट नहीं मिली लेटेस्ट वाली, AIMIM हेडक्वार्टर में हुई होगी, आप लोगों ने कराया होगा। 100 करोड़ हिंदू है मुसलमान? हिंदू है क्या मुसलमान है? पूरी बात मुझे करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। देखिए जहां पर वो बयान हुआ है, अगर वो मैं तकरीर करता तो शायद अल्फाज को कुछ एहतियात से करता, लेकिन वहां पर हिंदू कहीं पर भी जुमला नहीं है, ये बात वाजे करना चाहता हूं। मैं भी पढ़ा हूं, आपके पास से भी लिंक आया मुझे, सुनना चाहिए, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान बनाकर मैं अज्ञानी, मुझे नहीं समझ आया, मेरे दर्शक एक बार सुन ले और तय कर ले। 100 करोड़ वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था वो 100 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान है। 100 करोड़ कौन है, कौन सी आबादी आपको पता है? सुना देते हैं एक बार, कादरी साहब सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, फिर आप अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। अरे भाई 15 करोड़ है लेकिन 100 के ऊपर भारी है, ये 100 करोड़ कौन है सर? मुसलमान है 100 करोड़ नहीं, या आप नादान है या नादानी की एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मुसलमान हिंद ने हिंदू मुसलमान यहाँ पर बोला ही नहीं गया। एक कहावत है, अच्छा, जैसा अच्छा, कि अच्छा, मैं 10 आदमी से मुकाबला कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 आदमी हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, ईसाई होंगे। मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पेंटिंग के ऊपर इतराज कर रहा हूँ। 15 करोड़ है, 100 पर भारी पड़ेंगे, इसका मतलब मुझे समझा दीजिए सर, मैं समझना चाहूंगा कादरी साहब। 15 करोड़ है, 100 पर भारी पड़ेंगे, नहीं नहीं वो बात मतलब क्या हुआ? वो जुमलों में जो है एहतियात बरतना चाहिए था, ये बात आप उस 15 करोड़ में हैं क्या, बस इतना बता दीजिए। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं मैं, आप उस 15 करोड़ में हैं क्या, बस इतना बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए। कतई नहीं का वारिस पठान अगर आह्वान करेंगे ओवैसी, उस 15 करोड़ खड़े हो जाएंगे मुसलमान, वैसे तो 15 नहीं होंगे, चलिए 15 करोड़ खड़े हो जाएंगे, आप खड़े होंगे क्या? नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर जो भी एहतजाज होगा वो करेंगे। चलिए आप भी नहीं खड़े होंगे, फिर कोई मुकाबलेबाजी और इस तरह की हैदराबाद में मोहल्ले के बाहर पूछ कोई नहीं रहा, लेकिन जो हैदराबाद में मोहल्ले के नेता है उनको बाहर कोई पूछ नहीं रहा। 15 करोड़ खड़े हो जाएंगे उनका आह्वान हुआ था, 15 नहीं पूछ रहे उनको,
जो गोली मारो का आह्वान किया गया था जी, गोली मारने वो याद है, कहा गया था लोग गोलियां मार, आपके मुंह में दही जम गई। वारिस पठान के बयान पर आपके मुंह में दही जम गई। अनुराग ठाकुर का बयान याद है, इनके आह्वान पर एक और कमलेश तिवारी रिपीट हो गया, तो दही का पूरी इनके भड़काऊ बयान पर एक और रणजीत बच्चन रिपीट हो गया, तो एक और कमलेश तिवारी रिपीट हो गया, तो गोली मारो की पॉलिटिक्स पे आपने लस्सी बना ली। और अनुराग ठाकुर ने गद्दारों को, गद्दारों की बात करी थी, मुसलमानों की बात नहीं करी थी। एक तो मुसलमानों को गद्दार कहना बंद करिए आप लोग। अनुराग ठाकुर ने गद्दारों की बात करी थी, मुसलमान नहीं कहा था। एक तो मुसलमानों को आप लोगों को गद्दार नहीं कहना चाहिए। आज के बाद मत कहिएगा, आज के बाद मुसलमानों को गद्दार मत कहिएगा मेरे शो में। मुसलमान उतना ही बड़ा राष्ट्रभक्त है जितने आप है, जितना मैं हूं। तो नहीं चाहिए ना, अगर गद्दार कौन थे वो? कौन थे फिर? कौन थे गद्दार? आप क्यों मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं? गद्दार कौन थे? अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने गद्दारों को कहा था, मुसलमान गद्दार हैं क्या? किसको कहा था? कैसे आप कह रहे हैं? हाउ डे यू, आप कैसे मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं ये बताइए ना। नहीं, आप कैसे मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं सर? आप बताइए आखिर वो किसको गद्दार बोल रहा था? तो जो गद्दार है, आप उसके गद्दार है, टुकड़े गैंगे है, किसको बोल रहा था वो सर? जो गद्दार है, जो गद्दार गद्दार है उसका धर्म थोड़ी ना होता है। आप क्यों कह रहे हैं मुसलमान गद्दार है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं? उसके बोलने पे लोग शाहीन बाग में बंदूक लेके पहुंच गए। हाँ, तो फिर भी वो मिनिस्टर बना हुआ है सर। वो आम मिनिस्टर से पार्टी का गया। पता ही नहीं है, पढ़ा करिए सुबही खान, उसके बाद मैं विवेक विराट आपके पास आ रहा हूँ। पहले सुबही खान, आप भी हैं उसमें, कल को वो आह्वान करेंगे वैसी। मैं तो सबसे पूछूंगा 15 करोड़ वो कहाँ है, कौन है? तो 15 करोड़ में आप भी खड़ी हो जाएंगी क्या? या आप हैं पहले उसमें? अमन, सबसे पहले तो कादरी साहब की हकलाहट से उनकी मानसिकता का पता चलता है। उनको वारिस पठान के बयान में मुसलमान शब्द और हिंदू शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनको अनुराग ठाकुर के बयान में मुसलमान शब्द दिखाई दे रहा है। जहाँ पे गद्दार वर्ड बोल रहा है वहां पे उनको मुसलमान सुनाई दे रहा है। तो वो तो इनकी मानसिकता है, जैसा अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि मुसलमानों को बदनाम करने वाली सबसे बड़ी ये मुसलमान लीडरशिप है, जो कि पूरे मासेस मुस्लिम्स को, जैसे आपने बोला, पूरे 15 करोड़ मुसलमान ऐसे बयानों से बदनाम होते हैं। दूसरी बात, वारिस पठान की जो स्टेटमेंट, इन लोगों को 15 नंबर से बड़ी मोहब्बत है। ये बताइए, वारिस पठान की मैं बयान की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वारिस पठान ने क्या हिंदू लफ्ज कहा ये बताइए। कहते हैं 15 करोड़ हावी हो जाएंगे, 15 मिनट जाके कभी प्राणायाम कर लीजिए, योग, तो शायद आपकी ये डी रेडिकलाइज माइंड थोड़ा ठीक हो जाए, और आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल सिकनेस है, वो शायद ठीक हो जाए। पहली चीज। दूसरा, वारिस पठान ने बोला अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली हैं, शेर बाहर निकल गए तो पता नहीं क्या होगा। निकले तो अच्छा, थे शेर दिल्ली में, पिटाए गए ना, घुस गए जाते औरतों के पीछे जाते हैं, अब औरतों को पैलेस्टीन बॉर्डर में औरतों और बच्चों को आगे कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि हमारी ना आर्मी ना हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज औरतों और बच्चों के सामने जाके खड़ी नहीं हो सकती। औरतों और बच्चों की पीठ पीछे झुके अराजकता मचवाली, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में ले लिया। क्या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? प्रोटेस्ट की डेफिनेशन सीखिए पहले जाके, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट की डेफिनेशन देखिए जाके, प्रदर्शन क्या होता है, उग्रवाद को प्रदर्शन का नाम मत दीजिए। 4 महीने के बच्चे के कोल्ड ब्लडेड मर्डर को आप लोग शहादत बोल देते हैं, अराजकता को आप लोग प्रोटेस्ट बोल देते, इलीगल एक्टिविटीज को आप संविधान बचाने की लड़ाई बोल देते हैं। आप लोग पहले अपनी वोकैबुलरी, अपनी डिक्शनरी पहले जाके चेक करिए। गद्दारों ने आपको मुसलमान दिखाई दे जाता है। आरफा खानम, आ रहा हूँ कादरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, महिलाएं बोलने दीजिए एक बार उनको, ठीक है ना? आरफा खानम, मतलब अब समझ में आया, इसलिए आप लोग जिन लोगों को सबक सिखाने के लिए बैठी हैं क्या वहां पर, जितनी महिलाएं बैठी हैं, यही कह रहे हैं वारिस पठान कि वो शेरनिया बाहर है, हिंदुओं को सबक हम लोग भी सिखाएंगे। आप हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए बैठी हैं, ये है शाहीनबाग का सच। देखिए, सबसे पहली बात अमन की, वहाँ तो हिंदू भाई बहन हमारे साथ है, की वारिस पठान का सुन लीजिए उनको बोलने, मेरी बात सुन लीजिए, जो 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 वारिस पठान का जो बयान है मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। दूसरा ये कि जो शाहीन बाग की महिलाएं बैठी हैं, वो ना तो किसी को सबक सिखाने के लिए बैठी हैं और ना ही
वो किसी के हक को मारने या हक को छीनने के लिए बैठी हैं, वो अपने हक के लिए बैठी हैं। तो आप जी न्यूज के माध्यम से वारिस पठान को कुछ कहना चाहेंगी? वो देख रहे होंगे इस वक्त ताल ठोके, मुझे पता है वो ऐसे साहब भी देख रहे हैं, वारिस पठान भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ देख रहे होंगे वारिस पठान, कुछ कहना चाहेंगे? लगातार वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए शाहीन बाग में बैठी हुई हैं। नहीं, जिस तरीके से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट इतने दिनों से, लगभग 2 महीने से चल रहा है, वो सबकी नजरों के सामने है। कौन बंदूकें लेकर आ रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो हम सब जानते हैं। हिंदुओं पर भारी पड़ने के लिए बैठे हैं, हम वहाँ किस लिए बैठे हैं? नहीं, वहाँ पर देखिए, वारिस पठान जी ने जो कहा है, मैं उनको इत्तेफाक में रखती हूँ, उनका इंडिविजुअल बयान है। नहीं, मैं बिल्कुल उनके बयान को कंडेम करती हूँ जो उन्होंने शाहीन बाग नहीं बोलेंगे उनके नहीं नहीं मैं बोलूंगी बिल्कुल क्यों नहीं बोलूंगी मैं उनका उनका बयान गलत है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बात मैं तार ठोक के मैं कहती हूँ। उन्होंने जो कहा, उन्होंने बहुत गलत कहा, उन्होंने वही भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बयान के खिलाफ भी कोई धरना देना चाहिए ना फिर मुस्लिम बहनों को, नेताओं के बयान आते हैं मुस्लिम बहनों को इस्तेमाल किया है, तो फिर मुस्लिम बहनों को वारिस पठान या ओवैसी के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए फिर? मतलब वो तो आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं मैम, वो तो आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो आप लोगों को उनके खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए। शाहीन बाग की औरतें अपने एक शाहीन बाग होना चाहिए ओवैसी के खिलाफ, लोग आएंगे इस एक एक शाहीन बाग ओवैसी के खिलाफ आएंगे, वो अपने हक के लिए बैठी हैं। ना तो इनके बयानों से शाहीन बाग की औरतें, महिलाएं, बच्चे ना तो भटकने वाले हैं, वो अपने हक के लिए बैठे हैं, शाहीन बाग ओवैसी के खिलाफ। और इस तरीके के बयान जो देकर उन महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब है एक शाहीन बाग सियासत चमकाने के लिए अगर कोई इस तरीके का बयान देता है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ। शाहीन बाग ठीक शाहीन बाग करके बैठ जाएगी या हक की आवाज के लिए एक शाहीन बाग ओवैसी के खिलाफ होना चाहिए? एक मिनट सुबह एक शाहीन बाग ओवैसी के खिलाफ होना चाहिए जो मुस्लिम महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं ओवैसी और ये जिन्ना गैंग जितनी है, ये वारिस पठान, एक शाहीनबाग इनके खिलाफ होना चाहिए तो, मुस्लिम बहनों का ना ही वहां पर जो महिलाएं बैठी हैं, ना ही वो वारिस पठान से प्रेरित हैं, ना ही ओवैसी से प्रेरित हैं, वो किसी से प्रेरित नहीं, वो अपनी हक के लिए बैठी हैं, सरजी इमाम से प्रेरित हैं या नहीं आप? ठीक है, अब एक मिनट, सुबह उसके बाद विवेक विराट आ रहा हूँ। आरफा जी, आपकी बात हो गई, मेरी बात सुनिए। सुबह आरफा, एक एडुकेटेड मुस्लिम वुमन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके वहाँ पे उन महिलाओं को समझाइए कि आप कमोडिटी नहीं है। आप इन मुस्लिम आदमियों के सामने जिन्होंने एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था बना रखी है, आपको पहले तो तलाक पिता पर हलाला कर करके आपको कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते थे। आज जब पिटने की बारी आई, अराजक तत्व थे, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, पिटे तो महिलाओं को आगे कर दिया और वो महिलाएं बेचारी इमोशनल होकर, क्योंकि इमोशनल होती है, वो सड़कों पे बैठ गई। आपकी और मेरी आज मुस्लिम क्या जिम्मेदारी है कि हम उनको जाके समझाएं कि नहीं आप गलत कर रही है या संवैधानिक कर रही है या इलीगल कर रही है। दो दो महीने के बच्चों को टॉर्चर मत करिए, कानून का उल्लंघन मत करिए, इमोशनली ब्रेन वॉश मत होइए, समझाने से तो रहे। आप यहाँ पे बैठ के वारिस पठान के बयान की मजम्मत कर रही हैं, अरे उठिए और जाके मरम्मत करिए ऐसे आदमियों की। अब मजम्मत करने का वक्त नहीं है, आगे जाइए और मरम्मत करिए जाते, जैसे अमन ने बोला एक शाहीन बाग ओएसीज और इन जिन्नास के खिलाफ होना चाहिए। आपको एक महिला होने के नाते बताती हूँ, उसी हैदराबाद में माइनर बच्चियां 12-13 साल की बच्चियों को मिसयार मैरिज के नाम पे शेख इन ओएसीज इन जिन्नाओं के नाक के नीचे से खरीद के लेके जाते हैं, आप चलिए आप क्या बोलेंगे एक महिला होने के नाते? इस तरीके की बात जवाब दीजिए मेरी बात का, हैदराबाद में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर बच्चियां सप्लाई होती हैं, क्या करेंगे आप इस महिला होने के नाते? एक मिनट, मतलब शेरनियां ओवैसी के खिलाफ, शेरनियां ओवैसी के खिलाफ करना चाहिए ना शेरनियों को? तब मानूंगी मैं शेरनियां जब जाके उन्हें इन ऐसे लोगों के सामने खड़ी होंगी जिनका खोखला पुरुषत्व है, जो सिर्फ खोखली धमकी दे सकते हैं। 15 मिनट हजारों साल मिले थे इनको, हमारी संस्कृति को खत्म करना तो दूर छू तक भी नहीं, छूने की भी हैसियत नहीं थी।
इनकी महिलाएं, मैं तो कहती हूँ एक बार गिरफ्तारी होकर 15 मिनट इनका इलाज कर दिया जाए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनको पता चलेगा कि कानून का डंडा क्या होता है। वो तो हमारी सर्वधर्म संभाव की फीलिंग है, वसुधैव कुटुम्बकम की फीलिंग है, जो इनकी सारी अराजकता बर्दाश्त करी जाती है। लेकिन जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला कि हम लोग एक लेवल तक बर्दाश्त करते हैं, हमारी काइंडनेस को हमारे जीत में ना समझा जाए, जिस दिन वो लेवल आ गया उस दिन इनको इनकी हैसियत बता दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी शायद धरती में पड़ा होगा इन्होंने, इनसे जाके बोलिए संविधान कम से कम अपनी भाषा में पढ़ने, वो भी शायद अरबी में रख के बैठे हैं। ठीक है, आप जैसे लोगों से प्रेरित होकर के ही राम भक्त भेजे जाते हैं। पठान ने शेरनिया कहा, क्योंकि वारिस पठान ने मुस्लिम महिलाओं को शेरनिया कहा, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इन शेरनियों को दहाड़ना चाहिए और ऐसी महिलाओं का सौदा होता है, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं बोल पाए और आप शेरनी वर्ड बोल रही हैं। शेरनियां हमारी संस्कृति में होती हैं, जो महिला सम्मान के लिए महिषासुर का वध कर देती हैं। अरबी संस्कृति से बाहर निकलिए, अपनी औरत होने की ताकत को पहचानिए, इस्तेमाल मत होइए इन आदमियों के हाथों। गलत बात कर रहे हैं, वारिस पठान ने कोई गलत बयानी करी है तो आप क्या कर रही हैं? आप बताइए, आप मेरे साथ हैदराबाद चलेंगी? आप मेरे साथ हैदराबाद चलेंगी उन माइनर बच्चियों को इन जिहादी मानसिकता वाले पुरुषों के क्लचेस से निकालने में मेरी मदद करेंगी? और लाइव एयर आपसे पूछ रही हूँ, मुझे कह रही है कि मैं करूँ, मैं आंदोलन करूँ, आप क्यों नहीं करती है? अरफा जी, अरफा जी, अरफा जी, मैं कहती हूँ आप क्यों नहीं करती? आप चलिए, मेरे वीडियो देखिए, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि बख्तियार खिलजी को अपना बाप मानता है, शहर उसकी गढ़ में जाके उसको चैलेंज करके आए हो, मेरे खिलाफ हैदराबाद में कंप्लेंट दर्ज है, उसी के बाद करेंगे आप? चलिए मेरे साथ, बता रही हूँ हैदराबाद काम करके आई हूँ मैं और बार बार जाऊंगी और इनको दिखा के आऊंगी कि इनकी क्या औकात है। आप ये बताइए मुझे, शाहीन बाग की औरतों को समझाने की क्यों जरूरत है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उनको समझाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनको इमोशनली चार्ज अप किया गया है, उनको वरगलाया गया है, उनको संविधान गलत बढ़ाया गया है, उनको सुराग गलत बढ़ाया गया है, उनको कमोडिटी समझा गया है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि आपने कहा वारिस पठान का बयान गलत है, क्योंकि आपने कहा ओवैसी अगर इस तरह की बात करते हैं गलत है, तो वो आपको बदनाम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एक शाहीन बाग शेरनिया मैदान में उतरे इनके खिलाफ दहाड़े, ओवैसी के खिलाफ दहाड़े, एक शाहीन बाग इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को सामने आना चाहिए, बस मैंने इतना कहा था। अमन, पहली बात, शाहीन बाग में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है, मैं इस बात को बहुत से मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, मैं इस बात को कह देना चाहती हूँ कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है, तो वारिस पठान को शायद गलत फहमी है कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं। वहाँ पर जी हमें और शर्म आनी चाहिए फिर कि हम हिंदू तो विरोधी नारे लगा रहे हैं और वही हिंदू हमारे साथ सीएए के विरोध में हमारे साथ वो हिंदू बैठा है, इतना इमोशनल होता है वो हिंदू, जाके समझाइए उन महिलाओं को कि हिंदू जैसा दोस्त और भारत जैसा देश हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वाकई इतनी सांप्रदायिक स्वार्थ की बात होती विवेक विराट तो वारिस पठान ये नहीं कह रहे होते हिंदुओं को हिलाना है, मोदी शाह का तख्त डिगाना है। वारिस पठान रैली में ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ भारी पड़ेंगे 100 करोड़ पर, सिर्फ इतना नहीं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके शाहीन बाग की जब बात हो तो उनको समझ लेना चाहिए। शाहीन बाग से देश में एक शाहीन बाग नहीं, देश में करोड़ों एक और होना चाहिए, खिलाफ एक होना चाहिए, बस वो उनको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर सिर्फ नहीं, उनको समझ गए, वारिस पठान समझ गए आपकी बात अच्छे से, आपने अच्छे से बार बार ये बार बार जो शाहीन बाग का जिक्र कर रही है, शाहीन बाग में आप किसके खिलाफ जहर उगल रही है? आपको जिन्ना वाली आजादी चाहिए शाहीन बाग में? सरजी लीला इमान जो है भारत के टुकड़े की बात कर रहे हैं आपको, उस समय आपको कहाँ चली जाती है आपकी सोशलिस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता का भाव है? अब विवेक विराट, आप देश तोड़ने की बात कर रही हैं। विवेक विराट शाहीन अब तो हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रही है, अब तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं शाहीन बाग में आप इसके अलावा क्या नारा लगा रही हैं? विवेक विराट कोई नहीं बोलेगा बीच में, विवेक विराट
अमन जी, कमजोरी समझा जा रहा है सहिष्णुता को? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो कमजोरी समझा जा रहा है। और अमन जी, ऐसा वारिस पठान हो या उनके जैसे मानने वाले लोग हों, उनको मानने वाले लोग हों, वो ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम और कुरान को मानते हैं। और दूसरी तरफ हम जो हिंदू भाई हैं, जो 100 करोड़ हैं, हम जाति के नाम पर, हम धर्म के नाम पर, हम पार्टियों के नाम पे, कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, सबसे में बटे हुए हैं। परंतु उसके बावजूद भी मैं वारिस पठान को एक चैलेंज और चुनौती देता हूं कि अगर आप 15 करोड़ हैं, तो अगर आप हमारे हिंदुओं 100 करोड़ पे भारी हैं, अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने इकट्ठे होके आपके ऊपर फूंक भी मार दी, नहीं इस तरह या मूत भी कर दिया, तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे, सबके सब बह जाओगे, सबके सब बह जाओगे। मैं तो पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूं, विवेक विराट, क्या फर्क रह जाएगा आप में और वारिस पठान में अगर आप भी भड़काएंगे? जैसा इंसान जैसी बोली, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, ही जवाब इनको सुनना पड़ेगा। क्या इन्होंने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया सर, आप उसी जानते मजबूरी का फायदा उठा के ये पिछले 70 सालों से दिल्ली और यूपी को काटे हुए कई लाख लोग यूपी जाते हैं, 20 मिनट का रास्ता है आपके स्टूडियो का, उसके लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं आपके स्टूडियो तक पहुंचने के लिए, इस शाहीन बाग के आपने कब्जा करके बैठे, तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? अगर हमारी फोर्स चाहे तो 1 सेकंड लगता है। किसकी आजादी चाहिए आपको? किससे आजादी चाहिए? किससे स्वतंत्रता चाहिए? इस देश से, इस हिंदुओं से जिन्होंने आपको अपने आंखों पर रखा और आपको हर वो आजादी दी, हर वो स्वतंत्रता दी जो आप चाहते थे, और उसके बावजूद भी आप हमारे ऊपर ही सब कुछ बोलना चाहते? संविधान ने दी, पहले तो हिंदुओं ने नहीं दी है, संविधान ने दी है, हिंदुओं ने इक्वल राइट्स है या संविधान ने? नहीं नहीं नहीं, संविधान हिंदुस्तान का है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हिंदुओं ने नहीं दिया है, मुसलमानों को हिंदुस्तान से है, हिंदुओं से नहीं। देखिए विवेक विराट, मैं इसलिए भावनाओं में आकर कभी कभी हम ऐसी बात कह जाते हैं जो किसी को हर्ट होती है। सुनिए विवेक विराट, मैं वही कह रहा हूं, जितना मुसलमानों का अधिकार उनका ज्यादा है हिंदुओं से ज्यादा, बल्कि मैं तो ये मानता हूं, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने कोई अधिकार दे दिया, नहीं, ये संविधान का अधिकार है। हाँ, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके वहां वो यहां पर रुके, मैं वही कह रहा हूं, मुसलमानों की देशभक्ति पर ना आप कोई सवाल उठा सकते हैं ना मैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम भी भड़काएंगे, अगर आप भी भड़काएंगे, तो आप में और ओवेसीज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, यही फर्क है, इस फर्क को बनाए रखें। अगर वो भड़काने का काम कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए सहनशीलता से, सहिष्णुता से, जो 70 सालों से हुआ है, देश अपने आप जवाब देता है। आज भी कह रहा हूं, ओवैसी के बुलाने पर 15 मुसलमान नहीं आएंगे, 15, वो 15 करोड़ की बात करते हैं, 15 मुसलमान नहीं आएंगे। कादरी साहब, उसके बाद के शर्मा, पहले कादरी साहब, ठीक कहा कादरी साहब मैंने, 15 मुसलमान नहीं आएंगे ओवैसी साहब के बुलाने पर, मुसलमान और हिंदुओं का भाईचारा है, दरार डालने की कोशिश करेंगे, दंगा कराने की कोशिश करेंगे, मुसलमान ही मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। फसाद करने के लिए कोई बुला ही नहीं रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि बुलाए तो अगर वो बुला रहे हैं? तो सर, आपको समझ नहीं आता है क्या? कोई बोला ही नहीं कादरी साहब, नहीं समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं नहीं, ऑडियो पहुंच रहा है आपको? नहीं, आप उसको ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वहां पर आपको वहां पर किसी को नहीं कहा कि फसाद करने के लिए रोड पे आइए, एहतजाज करने की बात कही गई है, लग रही है गोली, एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, ड्यूअल माइंडसेट वाली बात, प्रोटेस्ट जो है डेमोक्रेटिक राइट है और पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। जब शुरू से कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, बयान है, मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कादरी साहब, अगर ऑडियो पहुंच रहा है, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट, ऑडियो पहुंच रहा है कादरी साहब? हेलो हेलो, ऑडियो पहुंच रहा है? हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका बयान कोट अनकोट, अभी तो केवल शेरनियां बाहर आई है और आप पसीना बहा रहे हैं, हम सभी बाहर निकल गए तो क्या होगा, हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ के ऊपर भारी हैं, ये याद रख लेना, ये शांति पाठ कर रहे हैं वो। ये शाहीन बाग में जो औरतों के बारे में बदकलामी की गई, उनको कहा गया 500 रुपए में आए, 1000 रुपए में आए, इस तरह से उनकी बदतमीजी की गई, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये शेरनिया है। अच्छा, मैं भी कहता हूँ वो शेरनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अमर एहतजाज कर रही है लेकिन जो और अमन के साथ वो इसलिए नहीं समझेंगे, वो इसलिए नहीं समझेंगे कि ओवीसी के साजिश में, ओवीसी और वारिस पठान के साजिश में ये हैदराबाद से वहीं शामिल है। ये कादरी भी जो है ये टोपी लगा के चश्मा लगा के ये भी उसी चश्मे से देख रहे हैं क्योंकि इनकी भी सोच वही है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ इनकी सोच भी वही है। ये पहले लाइन से ही अपनी जो है लाइन इनकी है, इनको भाषा नहीं दिख रही है, उसकी समझ नहीं आ रही है, इनको दूसरा बयान सब समझ में आ रहा है। कौन है? मैं इसलिए आपको कौन है? नहीं कादरी साहब, 100 करोड़ आपके नेता ने दिया ना, 100 करोड़ कौन है? बदला लेंगे, 100 करोड़ हिंदुस्तान ने, 100 करोड़ 100 करोड़ की आबादी किस समुदाय की है ना? हिंदुस्तान बहुत बड़ा प्यारा बयान था क्या? नहीं, 100 करोड़ पर 100 करोड़ कौन है हिंदुस्तान में? जस्ट वन प्लीज लाइन कादरी साहब, या आप ज्वाइन करना चाहते हैं AIMIM? देखिए ओवैसी साहब खुश कर रहे हैं आप। अगर मैं तकरीर करता तो एहतियात करता, ये बात मैंने कही है पहली बात। तो फिर दूसरी बात ये है कि उसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया कि हिंदुओं से मुकाबला होगा। तो 100 करोड़ कौन? जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच, मुझे नहीं पता था 56 इंच का सीना है, आप मेजरमेंट करके देखे 56 इंच का है उनका। ठीक है सुबह, और ये लोग पता क्या कहते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं कभी कोई डर जाता है कभी कोई डर जाता है, और ये लोग कहते हैं हम लोग डरे हुए हैं। ये डर कर डरा रहे हैं, ये इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं 15 करोड़ निकल गए तो 100 करोड़ का क्या होगा। ये लोग डरे हुए हैं अमन जी, सुबह डरे हुए हैं जी, गीदड़ भक्तियों को तुम्हें कोई जवाब नहीं। भाई मुसलमान भाई सिख भाई सारे रोडों पर निकलेंगे। अरे आपकी एक बात का जवाब दे रही हूँ, आपने भी शेरनियों वाली बात बोली, आप खुश होंगे सुन के, सुनिए। गीदड़ भक्तियों पे तुम्हें कोई जवाब देना नहीं चाहती। एक बात कादरी साहब ने बहुत अच्छी बोली कि मुसलमान औरतें शेरनी है। हाँ, अब मोदी जी ने मुसलमान औरतों को शेरनी जरूर बना दिया है, शायद वही मोटिवेशन है जो वो आज ये प्रोटेस्ट भी कर रही है। मोदी जी ने मुसलमान औरतों के हाथ में वो ताकत दे दी है तलाक बिद्दत खत्म करके, कि आप जैसे आदमी अगर अब उनको तलाक 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 बोलेंगे तो गाल पे ऐसा तमाचा लगेगा कि पाकिस्तान का बनेगा नक्शा और अरब तक जाएगी आवाज। तो हाँ, मुसलमान औरत अब शेरनी है। रही बात सीए प्रोटेस्ट में जो बैठी हैं, वो उनको आपने वरगला दिया, उनको समझा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग अब इटरनल गीदड़ बन चुके हैं। अपने घर में भी गीदड़ और हिंदुस्तान में तो आप क्या ही करके दिखाएंगे, वो वक्त बताएगा। अपने गीदड़ के स्टेटस के साथ घर में बैठे हैं और अपने जिनके बाप चार मीनार बनाने वाले वैसे को जाके बोलिए कि अपनी स्टेट संभाले, अपनी 7-8 MLA की सीट और 2 MP की सीट संभाले, नेशनल पॉलिटिक्स में नाक घुसाने की कोशिश ना करें, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, दिल्ली तक पहुंचने के लिए वो दंगा करा रहे हैं क्या? नहीं, अरे ये पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इस कानून के खिलाफ एहतजाज की बात हो रही है। बिल्कुल, मैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए दंगा करा देंगे। नहीं नहीं, आप वो तो दंगा करा रहे हैं। कोशिश तो उन्होंने भरपूर की है अमन जी, इसमें कोई दो मत नहीं। और आपको इसी का उदाहरण देखना होगा कि धारा 370 का मामला आया हो या राम जन्मभूमि का फैसला आया हो या उसके बाद जो है सीए कानून आया हो, उन्होंने कहीं पर भी जो है सच्चाई नहीं बोली, लगातार झूठ बोल के देश के सीधे साधे मुस्लिम भाइयों को जो अशिक्षित वो हैं उनको भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए, दंगा कराने के लिए उन्होंने जो मन में आया उस तरह की बयानबाजी किया। लेकिन उनको आज हताशा इस बात की है, इतने भड़काने के बावजूद जब उनको उसका लीडरशिप नहीं मिल पा रहा है, यही तकलीफ इनकी हो जाती है कि इनको समझ में आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को सतर्क रहना चाहिए, और खासकर ये ओवैसी वारिस पठान और कादिर जैसे लोगों से भी, इनसे भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो है उनके करतूतों पर, उनके काले करतूतों के ऊपर ये पर्दा डालने का काम करते हैं, और ये अपने आप को धर्म गुरु बताकर और वहां जनता जो है मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। तो ये कादिर जैसे लोग, ये ओवैसी जैसे लोग, ये वारिस पठान जैसे लोग और भड़काने वाले बयान देने वाले जो तथाकथित अपने आप को मुस्लिम नेता समझ रहे हैं, इनको इनको इस देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है। और उनको कम से कम ऐसे लोगों को बिल्कुल पनाह नहीं देना चाहिए, बिल्कुल इनकी तरीज नहीं देना चाहिए, उनको क्या और इनको जो है रोड पे रखना चाहिए, इनकी रोजी रोटी शर्मा जी जो है जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, आपने इतना दूर करने की आवश्यकता है शर्मा जी? कोई नहीं पूछ रहा हूँ वैसी को, आपको भी पता है हैदराबाद के मामले के बारे में कह रहा हूँ, इतना भाव मत दीजिए। मैं इसलिए बड़ी ब्रॉडर डिबेट कर रहा हूँ। अरफा खानम जी, मेरा सवाल आपसे ये है
मतलब ऐसे संविधान बचाएंगे, हिंदुओं को धमकाएंगे, हिंदुओं को डराएंगे और नारा संविधान बचाएंगे? देखिए अमन, इसको देखिए, इसको बिल्कुल भी दूसरा मोड़ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां तक महिलाओं के एहतजाज की बात है, वो वहां बैठी हैं, अपना एहतजाज बहुत ही शांतिपूर्ण कर रही हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर देश में अलग अलग जगहों पर एहतजाज हो रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण हो रहा है। दूसरी बात, जिस इस तरीके के जो बयान है, आप वारिस पठान के बयान पर तो बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर के बयान पर बात क्यों नहीं करते हैं? सुबोध जी अभी कह रही थी कि देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने मजबूत कर दिया है, शेरनी बना दिया है, ट्रिपल तलाक देकर शेरनी बना दिया है। मैं बता देती हूँ, जिस वक्त वोट बैंक की बात थी तो उस टाइम पे वो ठीक था, लेकिन आज वही शेरनियां अगर सड़क पे बैठी हैं और प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से गुहार लगा रही हैं, बुला रही हैं, न्योता दे रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कान बंद कर लिए हैं, आंखें मूंद ली हैं। तो ये किस तरीके से दोहरी बातें आप कैसे कर सकती हैं? शेरनियां हैं, अगर आप उनके हक की चिंता करते हैं तो आप बात करने में क्या प्रॉब्लम है? 14 सिर्फ शाहीन बाग से ज्यादा दूरी नहीं है प्रधानमंत्री जी के घर से। केवल इतना बता दीजिए, आप सर्जिल इमाम ने जो वहां पर भाषण दिया, जो सर्जिल इमाम ने जो भाषण दिया, आप उसकी तरफदारी करती है? मणिशंकर अय्यर ने जो वहां बयान दिया, आप उसके समर्थन में हैं वहां पर? तो देखिए, शाहीन बाग की महिलाएं, मैं चुप कराता हूं, पहले सर्जिल इमाम पे मैं कंडेम कर चुकी हूँ सर्जिल इमाम। क्या मैंने आपका तो मंच वहां पर टुकड़े में बांटने में लगा है, आपका मंच जो है वो तो देश को टुकड़े करने के आह्वान कर रहा है। कौन बैठा टुकड़े? कौन नहीं है वहाँ पर? आप वहाँ जिंदा की आजादी मांग रही है? आप वहाँ जिंदा वाली आजादी मांग रही है? इस तरीके की आप जिंदा वाली आजादी मांग रही है वहाँ पर? आप कुछ भी बात मत करिए, जिन्ना वाली नहीं, जीने वाली आजादी थी। आप लोग ही आप कुछ नहीं, आपके वहाँ सारे वीडियो फेंक दे वहाँ की। मैं जब से डिबेट कर रहा हूँ आरफा खाना, मैं जब से डिबेट कर रहा हूँ, चाहे कादरी साहब हो, चाहे आप हो, आरफा खाना और कादरी साहब, मैं जब से डिबेट कर रहा हूँ, मैं वारिस पठान के बयान पर डिबेट कर रहा हूँ, मुझे बार बार अनुराग ठाकुर का बयान याद दिलाया जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, अनुराग ठाकुर ने गद्दार था मुसलमान कब कहा? आरफा खानम ठीक है, आराम से। अभी लंबा चल रहा है आप लोगों का धरना, पूरी एनर्जी बचा कर रखिए शाहीन बाग के लिए। आप अगर हमें हटा सके तो आप हटा दीजिए। नहीं नहीं मैम, और देखते हैं आप, नहीं नहीं प्रेम से, वैसे हटाना होता तो पहले हो चुका होता। 67 दिन हो गए, क्योंकि लिहाज है ना, सिस्टम नतमस्तक है आप लोगों के आगे। नहीं, कोई डंडे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं होए ताकि आप लोग विक्टिम कार्ड खेल सके। पहले विवेक विराट, पहले विवेक विराट, क्योंकि वो बार बार शाहीन बाग का नाम ले रही है, इसलिए समझाना चाह रहा। ये जो सीएए का आंदोलन था, ये 12 दिसंबर को जब चालू हुआ, तब लोगों ने कहा कि ये जामिया और इसके छात्रों का आंदोलन है। इसके बाद ये 15 तारीख को मुसलमानों का आंदोलन हो गया, अब ये दादियों और महिलाओं का आंदोलन हो गया। तो ये इस तरह का जो ये जो गुमराह करने वाला इन लोग का तरीका है, ये डरा कौन हुआ है? मैं आज छोड़िए मैम, बड़ी गुमराह कर मत कीजिए। आप यहाँ पर बैठे वो वार्ताकार वहाँ पर है, आपके पास दो वार्ताकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शाहीन बाग की सड़क खाली कराने की कोशिशें की जा रही है, वार्ताकार आज भी वहाँ पर गए हैं। लेकिन विवेक विराट, डरा कौन हुआ है मुझे तो ये बताइए। ये लोग कहते हैं हम डरे हुए हैं, ठीक है, जी जी पे उंगली उठाने से जी जी, नहीं नहीं कोई महिलाओं पर उंगली नहीं उठा रहा। अब तो इतना अधिकार आपको मिला, अब तो ट्रिपल तलाक खत्म करके आपको वाकई में शेरनी बना दिया गया। विवेक विराट एक मिनट, उसके बाद आप विवेक विराट डरा कौन हुआ? जी जी मिलने के लिए और जी जी वार्ताकार है, बातचीत चल रही है, वार्ताकार है, बातचीत चल रही है। विवेक विराट मैडम, अगर आप शाहीन बाग में सीएए के विरोध में अगर वहां बैठे हैं और आप चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, तो सबसे पहले तो आपने देश के टुकड़े ही कर दिए, यूपी और दिल्ली को ही बांट दिया उस रोड को जाम करते हुए। आपको इतना समझ नहीं आया कि आप अपने विरोध आजाद में दो टुकड़े करने की तैयारी कर रहे हैं, छीन के लेंगे आजादी, टुकड़े गैंग
पूरा वहां पूरी तरह से आपके ऊपर हावी है जो आपको भड़का रहा है, और भड़काने के बाद इस देश में हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रहा है, धर्म के नाम पे बांट रहा है, और आप उस मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ना बटा है ना बटेगा, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ना किसी की हिम्मत ना औकात। सुबह जल्दी से जी आरफा जी, एक मिनट आरफा जी, ठीक है आरफा जी, नहीं नहीं कोई नहीं डर। अच्छा वार्ताकार मिल रहे हैं, विवेक विराट मिल रहे हैं, वार्ताकार मिल रहे हैं, सुलझ जाएगा सड़क, आप लोग खाली कर देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है करनी पड़ेगी खाली, संविधान बचाओ लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान दिखाओ ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुबह 30 सेकंड मुझे बात करना है। आरफा जी आप 30 सेकंड आरफा जी आप एक वकील हैं, सुबह आजाद मुल्क में छीन के आजादी कैसे ली जाती है जी, आजाद मुल्क में छीन के आजादी, जल्दी से 30 सेकंड कोई नहीं, अरे जवाब तो ले लीजिए। आप एक काम करिए, आप एक वकील है ना, आप उन महिलाओं के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि आपकी मांगे क्या है, अगर हमें ये कानून नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, कैसे आपको ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए। अगर आपकी एक भी मांग संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की एम्बिट में लीगल हुई, मैं आपसे ऑन एयर प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन और डेलीगेशन गवर्नमेंट तक लेके चलूंगी, लेकिन कम से कम लीगल, ऐसे नहीं कि अराजकता फैला के कानून अपने हाथ में लेके और कुछ भी बोलेंगे। के शर्मा, अरफा खानम, मांगी कुछ नहीं है, वही तो कंफ्यूज हो गए, बैठ गए, अब उठने का बहाना नहीं मिल रहा है, दिक्कत दरअसल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके में मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। जी न्यूज ताल ठोके क्या मानता है, सीधा सुन लीजिए, ऐसे जहरीले भाषण देने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात, राजनीतिक दलों को ऐसे नेताओं को पार्टी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, और ऐसे नेताओं के चुनाव लड़ने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए जो दंगा फैलाने की कोशिश करें। लोकतंत्र में ऐसे नेताओं और ऐसी सोच की कोई जगह नहीं है, ताल ठोक के मानता है जी न्यूज। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाने की जरूरत, आप जानते हैं जी न्यूज की मुहिम निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा देश खड़ा है। न्याय के नंबर पर हर घंटे आपको बताते लाखों मिस कॉल्स आ रही हैं। अगर आप निर्भया के न्याय के लिए जारी अभियान में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल उठाइए और न्याय के नंबर पर मिस कॉल दीजिए। 20 लाख सुपर मिस कॉल अब तक आ चुकी है, और ये मुहिम जब तक दरिंदों को लटकाया नहीं जाएगा तब तक जी न्यूज की यह मुहिम इसी तरह से जारी रहेगी। न्याय का नंबर वो भी आपको बता देते हैं, 7834 998 998, मैं रिपीट कर रहा हूं, 7834 998 998।